हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बादाम का हलवा। वैसे तो बादाम का हलवा नॉर्थ से ज़्यादा साउथ में फेमस होता है और इसको बनाया जाता है वहाँ की वेडिंग्स में या फिर स्पेशल ओकेजन्स पे। बट यू कैन हैव बादाम का हलवा एनी टाइम बिकॉज इट इज़ सो हेल्दी, रिच एंड टेस्टी। और आज हम भी बनाएंगे बादाम का हलवा, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भिगो के रखे थे 1 कप बादाम। मैंने इनको रात भर पानी में डालकर छोड़ दिया था। और अब हम ये बादाम छील लेंगे। और बादाम को आसानी से छीलने का तरीका है, आप अगर पूरी रात बादाम को पानी में भिगोने वाले हैं, वैसे तो आप इसको आधा घंटे गर्म पानी में भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करने वाले हैं तो इनको छीलने से पहले आप 10 मिनट गर्म पानी में डाल दें। आप बस बादाम को थोड़ा सा प्रेस करें और उसको छिलका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से। ये बादाम हमारे सारे छिल गए हैं। अब हम इनको बारीक पीस लेंगे। आप इनको चाहे तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये बादाम को मैंने पीस लिया है। मैंने भी इसको थोड़ा सा दरदरा रखा है बिकॉज आई लव दैट बाइट। अब हम एक पैन या कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे कम से कम 1/2 कप घी। हलवे में घी वैसे भी ज्यादा ही डलता है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। घी मेल्ट हो गया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 कप सूजी। सूजी को हमें लगातार मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि उसका कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। आप इसको लगातार चलाते रहें। ये सूजी हमारी रोस्ट हो गई है, अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसे हुए बादाम। बादाम को हमें ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक बादाम में से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। इसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे। दस मिनट हो गए हैं और ये बादाम से बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप पानी। अच्छे से आप इसको मिला लें और साथ ही डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध में मैंने थोड़ा सा केसर भी डाला है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें डालें इलायची पाउडर और अब वापस से इन सारी चीजों को एक साथ मिला लें और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाते रहें। और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हलवा पैन की साइड्स ना छोड़ने लगे और थोड़ा सा थिक और एकदम स्मूथ ना हो जाए। और ये हलवा पैन की साइड्स छोड़ने लगा है, अब आप इसको फ्लेम से उतार लें और गर्मा गर्म सर्व करें। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।